चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर खत्म हुई लड़ाई, पीसीबी की ये शर्त मान गई बीसीसीआई। जी हां, आपने सही सुना, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर जो लड़ाई पिछले एक डेढ़ महीने से जारी थी अब वो खत्म हो गई है और अब आपको लड़ाई पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में नहीं, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर नजर आने वाली है, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया है और आईसीसी के कुछ कदमों से, कुछ फैसलों से सब कुछ मामला निपट गया। तो क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। 1 दिसंबर के बाद फाइनल फैसला। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के, अब जो इंडिया में होनी है ना आईसीसी टूर्नामेंट्स, टी20 वर्ल्ड कप, तो हम भी नहीं खेलेंगे वहां पे, हमें भी हाइब्रिड में फिर खेलना है। अब उसमें बीसीसीआई हाँ थोड़ी बोलेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का एक सलूशन तो यह है कि जिसमें पाकिस्तान की भी बात रह जाएगी और इंडिया की भी बात रह जाएगी। इंडिया का मौकफ यही है कि वो पाकिस्तान आकर स्टे नहीं करना चाहते, तो पाकिस्तान ने भी कहा है कि आप स्टे ना कीजिए, आपके मैच हमने लाहौर में रख लिए हैं, अब ये होगा कि आप आए अमृतसर से खेले मैच और वापस चले जाएं, क्योंकि आपके तो मैच भी बहुत ज्यादा हमने कम कर दिए हैं, आप आराम से ही सेमीफाइनल में चले जाएंगे। अगर ये दोस्तों मान लिया जाता है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से, इससे ये होगा कि इंडियन टीम पाकिस्तान स्टे नहीं करेगी, वापस चली जाएगी। तो इसमें भारतीय लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी टीम को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो कोई इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं है। हमारी टीम ने एशिया कप के लिए किया था, हमारी टीम यहाँ से श्रीलंका जाती, वहाँ पर भारत के साथ खेल कर आती, हमारी टीम ने इतने चक्कर लगा दिया कि दोस्तों प्लेयर्स फटीक का शिकार हो गए, हमारी टीम एशिया कप में सेकंड राउंड से ही बाहर हो जाती है। अब भारत को भी ये सहना होगा, भारतीय टीम को भी ये सहना होगा और उन्हें भी ट्रैवल करना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए, हमें भी कुछ शौक नहीं है उन्हें यहाँ पर रखने की। आईसीसी को बहुत ज्यादा पड़ी है इंडिया पाकिस्तान की, हम तो कहते हैं कि इंडिया की जगह श्रीलंका आ जाए, मोस्ट वेलकम है, उसने इंडिया को अपने घर पर हरा कर ये साबित भी कर दिया है कि वो ज्यादा इंडिया से विलिंग टीम है, वो आगे आने के लिए इंडिया से ज्यादा डिजर्व करती है, इसलिए इंडिया की जगह उसे रिप्लेस किया जाए। तो ये एक सलूशन है जिसे आईसीसी को मानना चाहिए और बीसीसीआई को भी मानना चाहिए, इस पर बातचीत भी हो रही है। हाइब्रिड मॉडल का दोस्तों कोई ख्याल भी ना करे कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को मान लेगा, अगर पाकिस्तान मान लेगा तो ये फिर पाकिस्तान की इज्जत का ही सौदा माना जाएगा। और फिर मोहसिन नकवी और इस हुकूमत से ये सवाल किया जाएगा कि इन्होंने पाकिस्तान को इतना जलील क्यों करवाया, अगर आपको मानना ही है आप शुरू में ही मान जाइए हाइब्रिड मॉडल, आगे जाकर आपको नहीं मानना बेशक जो कुछ भी हो जाए। दोस्तों आगे भी सुनते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की हिस्ट्री क्या रही, कैसे शिवसेना ने पाकिस्तान टीम को थ्रेटन किया था, पाकिस्तान टीम सुबह जाती है खेलने के लिए और शिवसेना के दहशत गर्दों ने जाकर पिच को ही उखाड़ दिया था, उसके बावजूद पाकिस्तान इंडिया में अपनी टीम भेजता रहा, यानी हमारे जितने भी इससे पहले क्रिकेट बोर्ड के या फिर हुक्मरान रहे हैं उन्होंने गद्दाराना फैसले किए हैं जिसकी वजह से हमारी टीम इन दहशतगर्दों में जाकर खेलती रही है। लेकिन देखिए आज तक किसी भी तंजीम ने भारत की टीम को पाकिस्तान में आकर खेलने से मना नहीं किया या ये नहीं कहा कि अगर आप आएंगे तो हम वहां पर हमला करेंगे, जैसा कि इंडिया की शिवसेना करती है, पाकिस्तान को धमकी देती है, ऐसा तो हमारे पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन इंडिया उसके बावजूद पाकिस्तान टीम नहीं भेजता और हमने हमेशा अपने टीम के खिलाड़ियों को भेजा है और अपनी पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम किया है। पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मानता है, सपोज कीजिए पाकिस्तान हाइब्रिड मानता है, अगर जो आईसीसी के हिसाब से उनको मानना चाहिए, तो वो ये कहेगा कि ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं मनोज, हर कोई आज में जीता है, कल की किसी को परवाह नहीं है। पाकिस्तान ये कहेगा, ऑफिशियली बोलेगा कि हम हाइब्रिड मान गए, लेकिन विद अ राइडर कि अब जो इंडिया में होनी है ना आईसीसी टूर्नामेंट्स, टी20 वर्ल्ड कप, तो हम भी नहीं खेलेंगे वहां पे, हमें भी हाइब्रिड में फिर खेलना है। अब उसमें बीसीसीआई हां थोड़ी बोलेगा, हां जी हां जी हां जी। 2008 लास्ट था जब इन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट खेली, भाई राइवलरी तो सबसे बड़ी गिनी जाती है। आज तो साल के एक मैच के लिए आप देखिए अरबों रुपए लग जाते हैं। 26/11 जो अटैक हुआ उस वक्त आपको मालूम है चैंपियंस लीग शायद होने वाली थी, इंग्लैंड की टीम इंडिया में थी और कामरान अकमल और दो और पाकिस्तानी प्लेयर्स उस वक्त मुंबई में थे, वो राजस्थान रॉयल्स के मेंबर्स थे और राजस्थान रॉयल्स उसी साल 2011 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंडिया में हुआ। बाय द वे लेट मी रिमाइंड आवर व्यूअर्स कि पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप 2011 के सारे मैच श्रीलंका में खेले थे, वो सेमीफाइनल खेलने आए थे। और अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल जाती मुंबई में खेलती, जहां पर उनको दशकों से
कोई मैच अलॉट नहीं किया गया जब शिवसेना ने अर्ली 90s में जो थ्रेट दिया था उसके बाद से उनको कभी भी बॉम्बे मैच नहीं खिलाया गया कभी भी। खैर वो हार ही गए तो मुंबई तो उन्होंने क्या जाना था। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, बीसीसीआई तो पावरफुल था ही, बट मैंने उस दिन भी एक बात बताई थी सबको, लोगों को मालूम नहीं है इंडिया पाकिस्तान ने जंगें बहुत लड़ी, बहुत लड़ाइयां हुई हैं, जंग हुई हैं, पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई एक्चुअली हमेशा से देवर फ्रेंड्स, ये दोनों एक साथ मिलके एम्पायर से, जो एम्पायर है उससे लेकर आए थे क्रिकेट, एशिया में क्रिकेट लेके आए थे, 87 वर्ल्ड कप ले लो, 96 ले लो, इनके अच्छे रिलेशंस थे हमेशा से रहे। तो हुआ ये कि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई बैठे, एक तो 11 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, कन्वेंशन तोड़ते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को इनवाइट किया था मोहाली मैच देखने आने के लिए, ये कन्वेंशन नहीं थी। और 26-11 के ये तकरीबन 2.5 साल बाद की बात है, सो विच मीन्स कि आपने खुद ही वो कन्वेंशन तोड़ के आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, गिलानी साहब आप आइए, वो भी आए और उस वक्त स्टेडियम में आपने देखा ही क्या मैच हुआ, इंडिया जीत भी गया, एंड देन पीपल थॉट कि यार चलो शायद रिश्ते बेहतर होंगे। उसी के आगे क्या हुआ, 2012 में एक MOU बन गया, मेमोरेंडम ऑफ क्या अंडरस्टैंडिंग, MOU एक कागज पे जिसपे बीसीसीआई ने इनको कहा कि चलो एक काम करो आप आओ फिर हम आएंगे, फिर आप आओ फिर हम आएंगे, करते हैं वनडे वनडे T20 कुछ शुरू करते हैं। फिर वो आ गए, वो तीन वनडे तीन T20 खेल के 12 दिसंबर और 13 में, उसके बाद बुलाते रहे हम गए नहीं, बुलाएगी पर जाना क्या नहीं, शाहरियार खान भी आए थे उस, वो आए। अब हुआ ये कि वो बेचारे कहते रहे MOU साइन हुआ है। अब देखो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, उस वक्त भी मीडिया में वही चल रहा था वहां पे जो आज चल रहा है, आज डिजिटल है, तब टीवी और अखबारें थी, तब भी MOU साइन है इंडिया को हरजाना देना होगा, MOU साइंड है इंडिया को हरजाना देना होगा। वो MOU कहां पे साइंड है, किस चीज का MOU, एक कागज है। आई नो पाकिस्तान के साथ मतलब वो हो गया उनके साथ, गेम हो गया, खेल हो गया, इंडिया गया ही नहीं, उसके बाद वो हमें कोर्ट ले गए थे याद है ना, उनको हरजाना देना पड़ा था, दे हैड टू पे, केस उन्होंने किया एंड दे हैड टू पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिकॉज उन्होंने कहा यार क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये क्या MOU है, खत्म। एक वक्त आया था मनोज, 2015 आई थिंक दिसंबर की बात, दिसंबर से पहले एक महीना पहले, नवंबर में शुरू हो गया था, अक्टूबर नवंबर में, कि उस वक्त यार कुछ तो होने वाला है, और मोदी जी तब प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे कि कुछ तो, उधर थे नवाज शरीफ, एंड उस वक्त ये फैक्ट है कि उन दोनों के आपस में रिलेशंस अच्छे थे कि कुछ तो होने वाला है, इन द सेंस कि एक ना तीसरे मुल्क में, न्यूट्रल कंट्री में दोनों टीमें 3 मैच खेलेंगी। उस वक्त फिर विंडो देखी जाती थी कि ये टाइम है कि नहीं है। फिर वो सुषमा स्वराज गई थी वहां पे, फॉरेन मिनिस्टर थी पाकिस्तान, और मुझे याद है शाहरियार खान थे तब पाकिस्तान क्रिकेट चीफ, तो वो उनका बयान आते थे कि भाई कल सुबह तक बताओ, तो सुबह वो कहते थे कल शाम तक बताओ, फिर शाम को वो कहते थे फिर सुबह तक बताओ, फिर वो सुबह कहते शाम तक, तो बाद में ना वो थोड़े से डेस्परेशन में थोड़े थ्रेटनिंग हो गए, इंडिया को पसंद नहीं आया, अगेन कुछ ना कुछ हुआ होगा। फिर मोदी जी वहां गए, जब नवाज शरीफ आई थिंक उनका जन्मदिन था, उनकी बेटी की शादी भी थी, वो अनप्लान्ड अफगानिस्तान से आ रहे थे, स्टॉप्ड ओवर इन लाहौर इस्लामाबाद, एंड देन सबको लगा अब तो हो गया, बट उसके बाद जो हुआ, और वो ऐसी विजिट थी कि मतलब क्रिकेट के लिए वो आ गए, जयपुर टेस्ट मैच देखने जाना है, इमरान खान कप्तान थे, और इंडियन गवर्नमेंट को भी इतना अंदाजा नहीं था, राजीव गांधी वॉज दी प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, और इनके रिलेशंस बहुत खराब हो चुके थे, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया हुआ था करते करते। बट वो क्या हुआ, वो उस टाइम पे चलो दोनों, एंड देन मुझे याद है उनको कारपेट्स वगैरह दिए गए, तो थोड़ी सी बातचीत शुरू हुई। परवेज मुशर्रफ आए थे 2005 में यहां पे दिल्ली में वनडे मैच देखने, जो इंडिया हार गया था, फिर वो अपनी हवेली गए, और फिर वो एक तरह से समिट ही बन गया वो, और 11 में गिलानी साहब आए, इंडिया से कोई नहीं गया। इंडिया में ना 1952 में ये टीम पाकिस्तान की आई थी पहला टेस्ट खेलने,
और उस टीम में बहुत बड़े बड़े अब्दुल हफीज कारदार शायद कप्तान थे, लाला जी यहां पे थे, और टीम पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी पार्टीशन के बाद, क्योंकि कुछ तो इंडिया से खेलते ही थे। उसके बाद तीन सीरीज हुई, 60 में, 61 में, 60-61 में लास्ट सीरीज हुई थी। उसके बाद फिर हमारे दो जंगें हुई उनके साथ, और हम अब देखते हैं गैप के टेस्ट क्रिकेट का। हम लास्ट टेस्ट मैच खेले थे 7 में, नवंबर 2014, कितने साल का गैप हो गया, 17 साल का, उस टाइम 18 साल का गैप था। सो द लॉन्गेस्ट गैप इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का आज नहीं है, वो 60-61 से लेके 78 तक था, जिसमें फिर फाइनली कपिल देव जब कप्तान बने थे, और कपिल देव का डेब्यू था, सुनील गावस्कर बिशन बेदी कप्तान थे, तो इंडिया की टीम वहां गई थी, फिर वो आए, फिर हम गए, फिर वो आए, और हर रोज आना जाना रहा। और 80s में तो मतलब हर दूसरे दिन हम इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था। 80s ना थोड़ा नॉर्मल हुए रिलेशंस, और सो मच सो जब मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी की डेथ हुई, असैसिनेशन हुआ यहाँ पे, इंडिया की टीम पाकिस्तान में थी, आपको मालूम है, वनडे मैच चल रहा था लाहौर में, और इंडिया की बैटिंग हो चुकी थी, संदीप पाटिल के भी रन थे, दिलीप वेंगसरकर ने आई थिंक रन बनाए थे। लंच ब्रेक पे प्लेयरों को बताया गया, हालांकि हादसा तो सुबह हो चुका था, एंड वहां पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडियन प्लेयर्स को प्रोटेक्टिव रिंग देके इंडिया वापस भेजा। और ये दौर था जब पाकिस्तान में भी तरक्की हो रही थी, इंडिया शायद उतना तरक्की नहीं हमने देखी थी, मैंने पहले भी बात की, वो बहुत आगे थे, बिकॉज वो यूएस इंक्लाइंड थे, हम यूएसएसआर इंक्लाइंड थे, जो आज सोवियत यूनियन मतलब, और पीसीबी और बीसीसीआई तो एक थे ही, और क्रिकेट उनकी ये थी कि मतलब चलो जी, बेस्ट फ्रेंड्स जो पाकिस्तान इंडिया जो जो किस्से कहानी है वो तो उसी टाइम के है ना, गावस्कर, जहीर अब्बास, कपिल देव, इमरान, ये उसी टाइम की कहानी है। फिर क्या हुआ, चलता रहा मनोज, चलता रहा 89 में जब श्रीकांत की कप्तानी में पाकिस्तान हम गए, जिसमें तेंदुलकर का डेब्यू हुआ, उसके बाद उन्होंने आना था 91 में, और उस वक्त शिवसेना ने थ्रेट दिया था, तो पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया, वो दौरा उस वक्त कैंसिल हो गया था, वो दौरा नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया। और फिर हम 10 साल एक दूसरे के साथ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले 90s में। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, 90s में तो इंडिया पाकिस्तान ने भले टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, भाई इनकी आपस में क्रिकेट तो परवान चढ़ गई, पहली बार दुनिया ने इंडिया पाकिस्तान को एक कैश काउ बनाया। शारजा में हम खेलते थे, 90s में भी खेलते रहे,